आज सब कर रहे हैं। मकर मास में एक बार भरे मकर नहाए, सब मुनीस आश्रम सिधाए। जाग बल के बहुत बहुत साधुवाद जो दाएं बाएं इधर उधर से आकर के दे रहे हैं। 21 रुपए 10 किलो गए हूँ गुप्त दान, 21 रुपए 10 किलो गए हूँ गुप्त दान, 101 रुपए हुकम सिंह ग्राम जैन, 1111 रुपए श्रीमती लोंगा देवी धर्म पत्नी मनोरी थोक मारू, 111 रुपए मदन सेठ पुत्र दीपा थोक बाजार, 20 रुपए 7 किलो गए हूँ गुप्त दान, 100 रुपए प्रेम सिंह होटल वाले थोक मारू, 205 रुपए 11 किलो गए हूँ गुप्त दान थोक दाऊद, 500 रुपए 31 किलो गए हूँ एक धोती एक स्वापी बहुती देवी धर्म पत्नी छिंगा माचा जी थोक जुजार, 101 रुपए 11 किलो गए हूँ रोहतान पुत्र छिद्दी थोक दाऊद, 151 रुपए 11 किलो गए हूँ एक धोती यादराम जुजार, 11 किलो गए हूँ गुप्त दान थोक मारू, 11 रुपए गुप्त दान, 10 रुपए गुप्त दान, 150 रुपए सोनू मोनू बाजार, 500 रुपए 50 किलो गए हूँ 50 किलो चीनी नरेश कुमारी, 1100 रुपए गुप्त दान थोक मनी, 100 रुपए 10 किलो गए हूँ 2 किलो चावल बासो, 51 रुपए 11 किलो, 21 रुपए 5 किलो गए हूँ गुप्त दान, 101 रुपए 11 किलो गए हूँ अनिल पुत्र छिद्दी थोक दाऊद, 11 किलो गए हूँ गुप्त दान, 3100 रुपए थान सिंह अध्यक्ष जी आर के हॉस्टल जीएलए के पास, 1000 रुपए श्री बिहारी राम पहलवान जी चेयरमैन चौमुआ, 501 रुपए गुप्त दान। आज सभी ने भगवान शिव की शादी में कन्यादान में ही मानो और राधा कृष्ण की चरणों में मानो यह शुभ अवसर प्रदान किया। अभी और बाकी है, लिस्ट बहुत लंबी है, धैर्य रखो अभी सुनते जाओ। 7111 रुपए 1 क्विंटल गेहूं सुखराम पुत्र गोपाल थोक मारू, 500 रुपए कमलेश धर्म पत्नी नारसिंह फौजी थोक दाऊद, जय हो इधर कन्या का पूजन, 121 रुपए गुप्त दान। तो अब एक बार सभी के लिए धन्यवाद, ताली बजा करके सभी दानियों का स्वागत करें। अब यहीं पर कथा की, क्योंकि आज का दिन 7वां दिन है, माँ से प्रार्थना करके विराम कर रहे हैं। एक बेणी जपा करना पूरा नगर खरासता, जो देवी है ना माँ पराम्बा है ना, जो खरपड़ आरुण है, आज की देवी खरपड़ आरुण है। आप देख रहे हैं काल रात्रि, काल रात्रि जो काल की रात्रि है, आज इस दिन काली की पूजा विशेष होती है शत्रुओं पर विजय पाने के लिए और अपनी विजय के लिए माँ की पूजा करते हैं। काल रात्रि माँ भगवती भक्तों का कल्याण करती हैं। ऐसी देवी को हम बारंबार वंदन करते हैं, जो लंबे सी कणिका करणी नतस्तम से शरीरी, जो नक्त रूप में वस्त्रों का भी ध्यान नहीं करती हैं, ऐसी स्वरूपणी देवी हैं। और इसके साथ कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के साथ यहीं पर बास करेंगे। कल कथा को राजा हरिश्चंद्र की कथा कुछ विस्तार से सुनना चाहते हैं जन्मेजय, और देवी गीता माँ भगवती ने हिमालय को सुनाई है देवी गीता, जिस प्रकार से कन्हैया ने गीता सुनाई है अर्जुन को युद्ध मैदान में, ऐसे ही माँ भगवती पराम्मा ने हिमालय को श्री देवी गीता सुनाई है, जो 9 अध्यायों में है, 10वें अध्याय में उद्यापन है। ऐसी देवी गीता को कल समझेंगे और माँ के अन्य चरित्रों पर
कल दृष्टिपात होगा। आइए अष्टम गौरी के दिन कथा जरूर सुने। कल अष्टम गौरी के दिन कथा को सुनकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। इसी के साथ सभी खड़े होकर के माँ भगवती की आरती करेंगे। बोलिए सच्चे दरबार की जय। नमो देव महादेव। कैमरा से दूर रहे, कैमरा से दूर रहे। नमो देव महादेव शिवाय सततम नमः। नमो प्रकृति भद्र Yeah.
गणपति गणेश भगवान की जय। जय गणेश। और काटो कलेश, कट गई। भगवान बुद्धि को देने वाले हैं गणेश जी। और एक और बताऊं बात, भगवान गणेश जी ऐसे भी हैं कि जो किसी के कार्य में जानबूझकर के विघ्न करता है ना, गणेश जी का उसके ऊपर प्रहार कर रहा होगा। बुद्धि को देने वाले, शुद्धि करने वाले और विघ्न करने वाले, संकट देने वाले, संकट हरण करने वाले। क्योंकि सुमकय सेव दंतस्य कपिलो गज कर्ण का लम्बो दृष्ट विकटो विनाशो विनायक धूम केतु बड़ा दक्ष भाल चंद्र गजानन द्वाज सैताना मणि यह पढ़े श्रीयादि विद्यारम्भे वाहे च प्रवेश इंद्रमिथा संग्रामे संकट से विघ्नतस्तन जायते वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्यशम प्रभा निर्णम कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। या कौंदेन तुषार हर धवला या शुभ्रमस्तावृता या वीणा। हम सभी माता भगवती के पावन चरित्र में आनंद ले रहे थे। आज इस पावन प्रांगण में मां
विजय महाराज ने प्रश्न किया था कि महाराज हरिश्चंद्र तो बहुत तपस्वी रहे लेकिन फिर भी उनको काशी में क्यों बिकना पड़ा। वो राजा थे, सब कुछ कर सकते थे लेकिन काशी में उन्हें बिकना पड़ा। इसके पीछे क्या कोई विशेष रहस्य है? देखिए रहस्य है, ये गुरुओं की चाल है। इस रहस्य में दूसरा सत्य की परीक्षा की चाल है, क्योंकि एक बार राजा हरिश्चंद्र की चर्चा हुई संत समाज में तो ये कहा गया कि हरिश्चंद्र के बराबर और कोई ऐसा दानी राजा नहीं है। गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र में ठन गई, एक तो ये भी कारण था।